अरविंद केजरीवाल ने दिया अब तक का सबसे खतरनाक भाषण, एलजी के उड़े तोते। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में उपराज्यपाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं पहली से बारहवीं तक प्रथम आया, मेरे टीचर ने भी कभी ऐसे जांच नहीं की जैसे एलजी कर रहे हैं। किस धारा में कहा गया है कि कॉस्ट एनालिसिस करवाएंगे? हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर गया था, एलजी ने सीधे किसी भी विषय पर आदेश दे दिया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वाइस राय कहते थे यू डैश इंडियंस, अब एलजी कहते हैं यू डैश दिल्ली वालास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि पूरे देश में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए या एक व्यक्ति विशेष की चलनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, बहुत सी सरकारें आई बहुत सी सरकारें गई हैं। हो सकता है कि कल केंद्र में हमारी सरकार हो, दिल्ली में एलजी हमारा हो, उस दौरान दिल्ली में भाजपा या कांग्रेस की सरकार हो सकती है, मगर हमारा एलजी ऐसे काम नहीं करेगा, हम चुनी हुई सरकार की इज्जत करते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अपने बच्चों जैसी शिक्षा दिल्ली के सभी बच्चों को देना चाहता हूँ। शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, अच्छे स्कूल बनाए गए हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं, शिक्षा का स्तर उठाने के लिए शिक्षकों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी है, विदेशों में भी ट्रेनिंग दिलवाई गई है, ये पूरा परिवार है, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, जैसा मैंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है वैसे ही देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसी कड़ी में टीचर को भेजा जा रहा था, हम 30 टीचर को विदेश भेजना चाहते हैं, जब हमारे शिक्षा मंत्री ने कह दिया तो हम भेज देंगे, लेकिन एलजी ने 2 बार आपत्ति लगा दी। जब हम लाइसेंस बनाने जाते हैं तो बार बार आपत्ति लगाकर भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से क्यों रोका जा रहा है? भाजपा और दूसरे पार्टी के नेता के बच्चे विदेश जाकर अच्छी शिक्षा लेते हैं, कोई इसका विरोध नहीं करता, हम अपने बच्चों को विदेश की शिक्षा के लिए भेजेंगे। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना करार दिया, दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से भेजेंगे। कौन है एलजी जो हमारे सिर पर आकर बैठ गए हैं, दिल्ली सरकार के कार्यों में अड़ंगा लगा रहे हैं, जब उनका कोई अधिकार नहीं है, हम तय करेंगे हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। एलजी के पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 3 मुद्दों के अलावा उनके पास पावर नहीं है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।